सो हे गाइस, इट्स ओय बॉय। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है। प्रूफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब भी आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस, टिकटॉक बैन पर टिकटॉकर्स का क्या रिएक्शन है, देखते हैं इस वीडियो में। एंड मैं आज खुश भी हूँ एंड सैड भी हूँ। खुश हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये अच्छे के लिए हो रही है हमारी। एंड सैड हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार मैं खोना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार दिया ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सच्ची में बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए मेरी जिंदगी में। सो बहुत मिस करूंगी आप सबको मैं। एंड और क्या, अगर आप लोगों को मुझे देखना है तो मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर सकते हो। मैं डेली एक्टिव रहूंगी एंड यूट्यूब पे भी मैं एक्टिव रहूंगी। सो वहाँ पर ही मिलते हैं। ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय, मिस यू ऑलवेज, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, बहुत दुख की बात है, टिकटॉक बैन हो चुकी है और मैं आप सबको खोना नहीं चाहती हूँ। शायद आप लोग भी हमें खोना नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही हम आपको टिकटॉक पे इंटरटेन करते हैं, वैसे ही हम आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी करेंगे। अगर आप लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं तो ये रहा मेरी आईडी, आप जल्दी जल्दी फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी रोज़ नई नई वीडियो मिले। और मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप सबको खोना नहीं चाहती हूँ। मस्त जोक मारा ये हंस रे अलकट हंस। हेलो गाइस, सब ऐसे हमेशा बोलता हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, फटाफट इंस्टाग्राम पर आ जाओ और वहाँ पर फॉलो कर लो जल्दी से, प्रोफाइल में लिंक है मेरा। क्योंकि अब जो मैं कंटेंट यहाँ डाला करता था, अब मैं डालने वाला हूँ इंस्टा पर, तो वहाँ पर मस्ती करेंगे जल्दी से। और सॉरी एंड ऑल, बैन हो चुका है। सो है गाइस, देखिए सबका मुँह किस तरीके से उतरा हुआ है, सब लोग आज सुन रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल शांत माहौल है दो तले पर। कोई मस्ती नहीं, कोई शूट नहीं, सब शांति से बैठे हुए। ऐसा वक्त आया है आज, देखो टिकटॉक जाने के गम में आसमान भी रो पड़ा। क्या माहौल है, दिम दिम इधर, दिम दिम आसमान रो पड़ा है। देखो क्या करें, जस्ट सर्व डाउन होने के बाद। ऑल्सो गाइस, एजाज खान भी एक टिकटॉक बैन पर ये रिएक्ट किए। अरे हम देश के लिए एक टिकटॉक नहीं, करोड़ों टिकटॉक डिलीट कर देंगे। और ये जो हिंदुस्तान में बेरोजगार बच्चे हैं, जो टिकटॉक से और सारे ऐप से, बीगो से, ये लोग क्या करते थे, अपने पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, अपने माँ बाप को पालते थे, अपनी स्कूल का जितना भी खर्चा था वो करते थे और अपना घर चलाते थे। क्योंकि सर हिंदुस्तान में बेरोजगारी बड़ी हो गई है, अब ये बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जाए। सर जितने लोग थे, कुछ जिम ट्रेनर थे जो टिकटॉक पे अपना जिम का वो करके, कुछ प्रेस रिपोर्टर थे, कुछ मोटिवेटर थे, कुछ एक्टर थे, कुछ डांसर थे, ये सारे लोगों का घर चलता था। अब इनकी बेरोजगारी का कोई इंतज़ाम आपको ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी एक नंबर पर आ चुकी है। सो गाइज, एजाज खान टिकटॉक से रिलेटेड क्वेश्चन किए गवर्नमेंट से, बट गाइज क्वेश्चन काफी कड़वा था बट सच था। अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज, आपको क्या लगता है कि एजाज खान ने सही कहा है या गलत कहा, आप भी कमेंट में जाके बताएं। एंड गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो साइड में बेल आइकन है यार, इसको भी दबा दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।